पढ़ाई क्या है, सीख है। तुम सोचते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेता बन जाना, मंत्री, इलेक्शन लड़ जाना। नहीं सर हम पैसा नहीं है। बाबा बन जाना। अभी तुम्हारी उम्र 21-22 साल होगी, 10-12 साल बाद जितने अभी प्रेजेंट नामी बाबा हैं सब खत्म हो जाएंगे, तो तुम आ जाना, आईएएस की तैयारी करोगे, नॉलेज का भंडार रहोगे, 10-12 अच्छे लोग रखना, कायदे के चमचे, चेला स्ट्रांग। वो खड़े हो जाए बीच में, बाबा जी आपकी ताबीज ले गए थे, लड़का क्लर्क बन गया, ओ बैठो 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 बैठो। एक कोई इधर झगड़ा हो जाएगा कि बाबा जी वो है ना, ये संसार, ये धन, ये माया है, मुझे दे दो। कुछ तो बनोगे ना यार, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बनोगे। तुम तो जबरदस्ती एक बात में पड़े हो, नहीं हुआ। और फिर ये समाज, समाज और महान है। जीवन में तुमको एक या दो आदमी मिलेंगे जो तुम्हें प्रमोट करेंगे, चढ़ाएंगे मॉरली। कभी कभी तो परिवार वाले ही इस बात को नहीं समझ पाते। आईएएस की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की प्रिपरेशन एक स्ट्रेस है, किसी भी चीज की तैयारी एक स्ट्रेस है। उसमें से परिवार कभी कभी ना समझी में कि अब की बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। अब की बार कई सारे लड़के हुए, एक लड़का है रमेश, उसका 7th अटेम्प्ट में हुआ। उसने कहा मुझसे कि सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा। आप इसी में रहिए। You are married? Yes sir, I am married sir. So you choose a girl according to your choice or according to other choice? नहीं सर, I choose a girl according to my choice only. Then why you are listening to the people? Then as a professor, why you are listening to the people? Why? Who said to you to talk to the people? नहीं वो तो है, मतलब I am not, लेकिन सर एक पता नहीं क्यों एक छोटा सा मुझे ऐसा self doubt टाइप का रहता है कि पता नहीं मैं सही करने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि because I am already on the verge of promoting. प्रोफेसर साहब, अगर किसी आदमी को जी सर अगर इस दुनिया में फ्यूचर पता हो जाए जी तो जीने का मजा ही खत्म हो जाए। नहीं ये तो है सर, ये तो है। जितने लोग मोदी जी के साथ पैदा हुए थे वो सारे लोग मोदी जी की बचपन से पूजा करते। जी जी जी। उनको पता होता कि ये आदमी आगे जाके प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जी जी जी। लेकिन कितनी बड़ी ब्यूटी है इस लाइफ की कि जिन लोगों ने कभी उस आदमी को पैर मारकर भगाया होगा जी वो आज रो रहे होंगे। यस सर, सही कह रहे। हमारे गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई, मैं जानता हूं सर उनको, पैरा ओलंपिक में सिल्वर गोल्ड। जी जी जी, पता है मुझे, बैडमिंटन खेलते हैं सर। तो एज अ प्रोफेसर आपको पब्लिकली ये सब सवाल, आप अपने डिसीजन लीजिए, खेल खेलिए, अपनी हिम्मत दिखाइए। डिस्करेजिंग एलिमेंट्स को कैसे मतलब बैलेंस करूं, कभी कभी बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए राजा को मना किया जाता है लोगों से बात करने के लिए, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भैया बहुत घमंडी है। हाँ सर ये तो है। राजा को पब्लिक से मिलने के लिए मना किया जाता है, ये पब्लिक है जी। जीतेंगे तो लोग पूजा करेंगे और हारेंगे तो गाली सुनेंगे। आप तो कोई बात नहीं, वो उतना तो हक बनता ही है, खेल है। किसी का दांव पलट गया है, किसी का चल गया है, खेल है, इट्स अ गेम। आम आदमी डर के मारे नहीं खेलता, हार गए तो, बिकॉज सोसाइटी हैज क्रिएटेड सर्टेन पैरामीटर्स टू डिप्रेस कॉमन पीपल कि हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। फिर हो गई बेइज्जती, फिर अब क्या होगा? नहीं बेइज्जती होगी, हाँ तो क्या होगा, बेइज्जती होगी तब भी तो लोग तुम्हें डिस्कस करेंगे। मुलायम सिंह यादव सेड वंस कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम एक डर अपने दिमाग से निकाल दो, हारने का कुछ नहीं होगा, मारोगे फाइनली, ये पक्का है। फाइनली ऑल हैव टू डाई। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्ती करो,
और काम करो. सोसाइटी हैज सेट सर्टन थिंग्स इन यू कि हार जाओगे. यू सिट विद द पीपल, टॉक बिग थिंग्स, सी द रिएक्शन ऑफ द पीपल. If Rahul Gandhi says, I want to become the Prime Minister, no one will laugh on him, although he will never become. If you say, everyone will start laughing on you. Why? To demoralize you. Rana Pratap haar gaye. Immortal hai na? Rana Sanga? Osama Bin Laden? Log jante to hain. Man Singh nahi lade. Koi nahi janta. खेल है और उस खेल को तुम्हें समझना है. प्रिकॉशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गेम. यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन. और हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है. एवरीवन, सबका मोटिव ही यही है. मजा आता है ना हर आदमी. और जब वो नहीं कर पाता तो बहुत परेशान होता है. मैं ध्यान करता रहता हूँ, दो तीन घंटे बैठा रहता हूँ तो फैजल भाई हमारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं. तो वैसे तो उठा नहीं पाते, तो गाना गाते हुए अंदर आते हैं. हो जा सर कैसे हैं. मैं समझता हूँ क्योंकि ये तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते. और मैं डंडा उंडा लगा के एकदम बैठे तो आते हैं 4-5 बार. मुझे बुरा नहीं लगता. मैं तो कह देता हूँ कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ. है परेशान रहते लोग, 24 बार पार हो गया, इलेक्शन नहीं लड़ा, झूठ बोलते हो, फर्जी में मोमेंटम बनाते हो. तो तुम उस मोमेंटम में आते क्यों हो? मैंने गांव में कहा 19 में लड़ रहा हूँ, लड़ क्या फायदा. कुछ लोग समझा रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा. अरे मैंने कहा 50 करोड़ तो दुबई से आ रहा है. फोन मिला फैजल से, मैंने कहा कितना, बोले 50. अरे ठीक है 50 करोड़. 6 महीने मेरे गांव वाले सो नहीं पाए, इलेक्शन खत्म हो गया. बोले झूठ बोलते हो. हाँ, हमने कहा तो इतना लोड काहे ले रहे थे, इतना क्यों परेशान थे. मरे जा रहे थे, 22 का लड़ूंगा. अरे तुम नहीं लड़ोगे. लड़ूंगा 22 का. हम मैं लड़ू ना लड़ू ये मेरे ऊपर है. जो आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना, समझ लो भगवान है. तारीफ करो उस आदमी की कि बहुत अच्छा खेलते हो यार. नो वन इन दिस वर्ल्ड शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट यू. डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं. ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. जो प्यार कर रहा है, प्रपोजल प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड. इधर ये लड़की, ये लड़की सबको लव कर दी, इधर तू लव कर ले इससे. यार नहीं, सिर्फ लड़ाई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. प्यार वो तो बहुत बड़ा. जब आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके, जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे. नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है. अगला बंदा तुम्हें फोन मिला गया, 3 घंटा तुमसे फोन पे बात कर रहा है कि बाजार में सीताफल पके हुए नहीं है. अबे तुम, मैं क्या करूं, ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है तो हमसे थोड़ी प्रेग्नेंट है. हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले, हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले उसमें, उसके प्रेगनेंसी से हमें क्या लेना देना भैया. ये जो सन्यासी हिमालय की तरफ भागते हैं ना, ये इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भागते हैं, और कोई वजह नहीं है. दी सन्यासी जो रन अवे टुवर्ड्स हिमालयस, द बेसिक रीजन इज कि दे वांट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टिल दे अचीव देयर गोल. इसी को ध्यान में रख के गुरुकुल बना था, इसी को ध्यान में रख के आश्रम बने थे.
हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस PCS के बाद join NCERT Basics and GS Pre का Mains Foundation Batch सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।